नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। आज मैंने युकता पहनी है, एक पारंपरिक जापानी कपड़े हैं। आज मैं आप लोगों को बना के दिखाना चाहूँगी दोरायाकी। दोरायाकी का नाम आपने सुना होगा। डोरेमो एक जापानी एनिमे है और उसमें लोग खाते हैं दोरायाकी। दोरायाकी केवल एनिमे में ही नहीं लेकिन सब जापानी लोग खाते हैं, ठीक है। और बनाना इतना मुश्किल नहीं है और इंग्रेडिएंट्स भी इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए अगर आप मुंबई में, दिल्ली में कुछ थोड़ा सा जापानी इंग्रेडिएंट्स खरीदेंगे तो आप घर में खुद बना सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। दोरायाकी दो चीजों से बनता है, बनती है दोरायाकी शायद लड़की होगी क्योंकि एक तो मिठाई है और ई से खत्म होती है। तो दोरायाकी बाहर और अंदर दो चीजों से बनती है, और बाहर तो मेनली मैदा है और अंदर काला है। कुछ लोगों ने एनिमे जो देखकर सोचा होगा कि हाँ अंदर में चॉकलेट है क्योंकि काला है। नहीं, अंदर में दाल है, दाल। ये है थोड़ा सा ना लाल ऐसा। तो हम जापानी लोग दाल को मिठाई में डालते हैं चीनी डाल के। हाँ, मुझे पता है कुछ इंडियन लोगों को ये आज की मीठी दाल पसंद नहीं आती है क्योंकि विश्वास नहीं कर सकते कि दाल मीठी है। लेकिन हम ऐसे ही पारंपरिक मिठाई बनाते हैं। अब यहाँ पे 200 ग्राम आज की दाल है, तो इसमें पानी डालेंगे। पानी पानी। अब बड़ी फ्लेम में पानी गर्म करूंगी। ये जापानी पारंपरिक कपड़ा है ना, कुकिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है। लोग ऐसे करके कुकिंग करते हैं ना, ये ऐसे करते हुए देखा है कभी लेकिन आज तक खुद नहीं किया। तो हाँ, ये इससे डांस भी कर सकती हूँ, कुकिंग कर सकती हूँ। अच्छा, एक बार पानी बिल्कुल ही गर्म हो गया है, अब एक बार फ्रेम बंद करके पानी और दाल को अलग करूंगी। ऐसे अलग हो गया, अब दाल को फिर से इसमें डालूंगी। अब फिर से 700 मिलीलीटर पानी डालूंगी और फिर फ्रेम ऑन करूंगी। अब 40-50 मिनट के लिए गर्म करते रहूंगी। सोच रहे होंगे अरे प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेंगे तो कम समय में मतलब सॉफ्ट हो जाए, है ना। मुझे भी ऐसा लगता है लेकिन जापानी संस्कृति में प्रेशर कुकर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल करके ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी दाल का इंतजार करते हुए बाहर में बनाने वाले हूँ मैदा वाला। दो अंडे में 100 ग्राम चीनी डालूंगी और मिक्स, रेडी गो। ये समय लगता है इसलिए जापानी मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब डालने वाली हूँ मिरिन। ये जापानी बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है। ये बनता है ग्लूकोज, पानी, चावल, अल्कोहल और राइस। हाँ, इसमें शराब है लेकिन जब खाना बनाते हैं, पकाते हैं तब अल्कोहल शराब तो बाहर निकल जाता है, इसलिए खाएंगे फिर भी नशे में नहीं हो जाएंगे। इसको 10 मिलीग्राम डालना है। 5 ज्यादा डाल दिया, 10। अब शहद भी 10 मिलीलीटर डालूंगी। फिर इसको खुशबू आ रही है, प्यास लग रही है इसलिए। अब बेकिंग सोडा 1 ग्राम डालना है। अरे ये मशीन खराब हो गया, टूट गया। बेकिंग सोडा इतना ही डालूंगी और फिर मिक्स करूंगी। अब 100 ग्राम मैदा डालना है लेकिन मेरा मशीन तो खराब हो गया इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के देखेंगे। 100 ग्राम और थोड़ा डालना होगा, थोड़ा थोड़ा डाल। दाल को हिलाना है, दाल को भी ऐसा ना देखते रहना चाहिए। हाँ,
पानी डाल के और थोड़ा सा देखते रखूंगी क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। हाँ मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। अब लप लगाऊंगी और इसको फ्रिज में रखूंगी 30 मिनट के लिए, ठीक है। अभी तो 30 मिनट हो गया। हाँ और रेसिपी में लिखा है कभी कभी ये जो सफेद इसको हम जापानी में आक कहते हैं, लेकिन आक को थोड़ा थोड़ा निकालना है। लेकिन ये बिल्कुल ही मतलब 100% निकालने की जरूरी भी नहीं है। ये जो अज़की है ना, पुराने जमाने से जापान में हर जगह में इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि तकिया के अंदर में भी ये डाली जाती है। अभी भी कुछ लोग अज़की वाला तकिया ज्यादा पसंद करते हैं। और ये मैंने खुद हाथों से बनाया है। ये आई मास्क है, ठीक है। और इसके अंदर में अज़की मैंने डाला है। कभी कभी ज्यादा लैपटॉप इस्तेमाल करने से आंखों पे और सिर पे दर्द होता है, तब इसको थोड़ा सा गर्म करके ऐसे आंखों के पे रखती हूँ तो बहुत अच्छा होता है, इससे दर्द चला जाता है। भारतीय लोग भी दाल इस्तेमाल करके एक ही चीज करते हैं, बनाते हैं क्या पता नहीं। लगभग एक घंटा हो गया और लगता है आज की यानी दाल नरम हो गया। तो ये एक अज़की है, इसको ऐसे गर्म है लेकिन ऐसे उंगली से दबा के मैश कर सकूंगी, इतना ही सॉफ्ट है। तो अब ठीक है। तो फ्रेम बंद करके इसमें 180 ग्राम चीनी डालना है। इतना ज्यादा मीठा करने की इच्छा नहीं है, इतना चीनी डाल दिया। फ्रेम ऑन करके इसको ऐसे हिलाते रहना चाहिए। चीनी काफी है कि नहीं अभी खा के देखूंगी। अच्छा, बिल्कुल सही। साधारण दोरायाकी में इससे ज्यादा चीनी डालते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सही है क्योंकि ज्यादा मीठा है तो नहीं खा सकती और मोटे हो जाऊंगी। अब पानी भी बिल्कुल ही कम हो गया तो अब थोड़ा सा नमक डालूंगी और फिर थोड़ा सा शहद ठीक से गिलाऊंगी। फ्रेम बंद करके ये फ्रिज में रखेंगे तो एक हफ्ते के लिए तो हाँ ठीक होगा। बन गया। ये अज़की नमक दाल से बनी हुई है, लेकिन इसको हम कहते हैं अंको अंको। हाँ अंको बन गया। बढ़िया, बहुत दिनों बाद बनाया है तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसको ठंडा होने देंगे और बाहर बनाएंगे। तो ये 30 मिनट के लिए फ्रिज में मैंने रख दिया, ठीक है ना। अब इसको गर्म करूंगी। इसके लिए भारतीय तावा इस्तेमाल करूंगी क्योंकि ये सबसे अच्छा होता है, बहुत उपयोगी है। दोरायाकी के लिए साधारण तेल इस्तेमाल करना अच्छा है, लेकिन मेरे घर में साधारण तेल नहीं है, इसलिए आज इस्तेमाल करने वाली हूँ घी। और मेरी पूरी यकीन है घी के साथ दोरायाकी और अच्छी बनेगी। बस थोड़ा सा और किचन पेपर से ऐसे करूंगी क्योंकि ज्यादा तेल है तो अच्छा नहीं लगता। आप इतना साइज का बनाना चाहते हो, आराम से चलो देखते हैं ठीक से बनेगा कि नहीं। बन रहा है। चलो इसको उल्टा करने की कोशिश करूंगी क्योंकि लगता है बन गया। ठीक है ठीक है, अच्छा है, ऐसा रंग होना चाहिए। तो एक बन गया है और दूसरा बनाऊंगी। बहुत अच्छा खुशबू आ रही है, एक ही साइज का बनाना चाहती हूँ ना। इतना फिर इंतजार, दूसरा भी बन गया। पहले और एक बनाने के लिए तेल लगा के ज्यादा बनाई क्या। हाँ इतना स्टॉप रुको रुको। हाँ तो अब ये जो अंको है इसको इसमें डाल के सैंडविच करूंगी। इसे करके सैंडविच और थोड़ा सा दबा के। हाँ अब बन गया दोरायाकी। अब एक बन गया लेकिन दूसरा भी है, ठीक बन रहा है। सैंडविच सैंडविच छोटा वाला भी सैंडविच सैंडविच।
दोराया की बन गई। सबसे बड़ा वाला खाने वाली हूँ ये है। मुझे लगा कि ये दो चीजें ना चिपकता है। हाँ, साधारण दोराया की मुझे लगता है चिपकता है, लेकिन ये नहीं, क्योंकि ये तो घर में बनाया ना। इतना बढ़िया। बहुत अच्छी दोराया बन गई है। और साधारण दोराया से कम चीनी डाली है, इसलिए ज्यादा मीठा नहीं है। और इसमें थोड़ा सा नमक और मिरिन अल्कोहल है, इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि बस केवल मीठा है। इसके अंदर में हल्का सा नमकीन जो महसूस तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन है, गहरा स्वाद आता है। और अंदर का जो अंको है ना, हाँ, ये इसमें दाल की रूप फिर भी है। अंको यानी ये दो तरह के होते हैं, एक तो चुब आम जो मैंने बनाया है, दूसरा कोशिया। चुब आम में एक एक दाल का रूप है ना जो बाकी है। खुशी आम में सब कुछ दबा दबा के माश करके वो दाल का रूप नहीं होता है, तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। दाल का नेचुरल स्वाद जो है ज्यादा आता है। खुशी आम में थोड़ा चीनी का टेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। इस बार जापानी दाल यानी अज़की इस्तेमाल किया है, लेकिन आप भारतीय दाल इस्तेमाल करके बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। पता नहीं कैसा स्वाद होगा, लेकिन भारत और जापान की संस्कृति मिलाकर नई चीज आप इन्वेंट कर सकते हैं ना, तो बहुत अच्छा है। गुच्छा समदीता, एक बड़ा दोराया की खाई है मैंने, लेकिन चार बाकी है, तो चार फ्रिज में डाल के फिर जब मुझे भूख लगे है तब खाऊंगी। चलो, तो आपको कैसा लगा? अब आपको पता है कि दोराया की क्या होती है, और आइडिया आया होगा कि स्वाद भी कैसा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी आपके पास पहुँचेंगे। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। Bye-bye!